Hello, what's up guys, my name is Vinod Bhattapapa and today in this video we will see how to use command prompt in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम command prompt को कैसे use कर सकते हैं और ये हमारे लिए इतना useful क्यों.
मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो जो मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग, तो वो मेरा कौन सा वर्जन का है, इस वाले वर्जन का है। बहुत बार होता है ना कि गाइस अगर आपका ये कोई भी सिस्टम है जिसका अगर आपको वर्जन जानना हो, क्योंकि आपका कुछ प्रॉब्लम मे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप जब आप कस्टमर सर्विस को कॉल करते हो तो वो पूछता है वर्जन कौन सा, तो उस समय
नाम दे दो थापा टेक्निकल, ठीक है, थापा टेक्निकल इस तरीके से नाम दे दिया, ऑलराइट, इसको मैंने एंटर हिट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी थापा टेक्निकल नहीं दिखाता टी में, अभी मैंने एक नया बना चुका है, एक नया फोल्डर क्रिएट किया, एक नया डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया, तो उसको देखने के लिए अगेन डी आई आर लिखना है इस तरीके से, ऑलराइट गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थापा टेक्निकल, तो इस तरीके से एक फोल्डर बन चुका है। अगर यहाँ पे
और उसके लिए हम क्या करें, अब देखिए देखने का एक और तरीका, demo.txt में जाएंगे, वो होगा ऐसे देखिए वेलकम टू माई चैनल, जो कि मैंने cmd में लिखा था वो इस पे भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी अगर सेम उसी तरीके से नोट पैड वहाँ, ठीक है, यहाँ पे अगर जाके इस तरीके से डेमो करके लिखोगे तो वो आपको दिख जाएगा, देखिए वेलकम टू माई चैनल, क्योंकि वो हमने चेक कर लिया था, है कि नहीं। तो गाइस इस तरीके से हमने इतना कुछ देख चुका है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कि गाइस आपको डिलीट करना है ये डेमो वाला। ठीक है भाई, मैंने कॉपी कर लिया, मेरा मन भर गया, अब मुझे इसको डिलीट करना है। तो गाइस डिलीट के लिए आप
css डाला था वो है या नहीं। तो आपने देखा गाइस क्या हुआ, यही इसलिए मैंने जानबूझ के आपको पहले दिखा कि अगर आप ये सोचते हो कि हम सिंपली डेल या इरेज लिख के कर देंगे तो नहीं होता था एक्चुअली।